पर एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधायक पल्ला श्रीनिवास राव द्वारा दायर एक याचिका पर न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष में व्यक्तिगत खाते में पड़े 1100 करोड़ रुपए वापस करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पहले सीएजी ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया था कि आंध्र प्रदेश सरकार ने व्यक्तिगत जमा खातों में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि को स्थानांतरित कर दिया है और 2 साल बीत जाने के बाद भी इसका उपयोग नहीं किया गया है, जो दर्शाता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने एसडीआरएफ के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। और हमारी सहयोगी मीनाक्षी भांजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। मीनाक्षी, और क्या कुछ जानकारी है इस खबर में? देखिए, जैसे आपने सही फरमाया श्रद्धा, ये जो मामला है काफी संगीन है, कोविड 19 कॉम्पनसेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये मामला लंबित हुआ है। हमने देखा है कि पहले भी राज्य सरकारों को कई फटकार पड़ी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इस बार यानी कि आज क्या हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश सरकार को ये आदेश दिया है कि 1100 करोड़ की जो राशि है अपने पर्सनल अकाउंट यानी कि स्टेट एक्सचेकर के अकाउंट से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में पैसे को ट्रांसफर किया जाए। ये निर्देश है सुप्रीम कोर्ट का आंध्र प्रदेश सरकार के लिए, और ये एक याचिका ही ये सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी जो कि पल्ला श्रीनिवास राव हैं, सोशल एक्टिविस्ट एक्स एमएलए, उन्होंने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ है यानी कि बेंच है, जस्टिस एम आर शाह जो कि लगातार निरंतर कोविड 19 कॉम्पनसेशन का मामला देख रहे हैं, उनके सामने ये मामला लगा था। तो ये एक तरीके से बहुत संगीन डायरेक्शन है कि कोविड 19 कॉम्पनसेशन जैसा मामला जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने विचाराधीन होके लंबित पड़ा हुआ है, तमाम राज्य सरकार इसमें अपना जो कहते हैं कि ड्रैगिंग ऑफ द फीट वाला एटीट्यूड सामने लेकर आ रहे हैं। और आज ये कड़ा निर्देश है कि अपने स्टेट के एक्सचेकर के पैसे से आप डिजास्टर फंड में 1100 करोड़ की राशि दीजिए ताकि जो आगे कोविड कॉम्पनसेशन है वो लोगों को दिया जा सके। जी जी मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।